हेलो एवरीवन, फिनस्टॉक्स में आपका स्वागत है, जहां बात करते हैं फाइनेंस की, इन्वेस्टिंग के साथ बात करते हैं ट्रेडिंग की। अगर आपको स्टॉक मार्केट के साथ अपडेट रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि कोई भी लेटेस्ट फाइनेंस की वीडियो मिस ना हो। चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज के डिस्कशन के लिए मैंने यहाँ पे जो टॉपिक लिया, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने डेली एक सीरीज स्टार्ट की सुबह 7 से लेकर 8 बजे के बीच में, जहाँ पे मैं इंट्राडे 3 इंट्राडे स्टॉक्स डिस्कस करता हूँ, साथ में टारगेट और स्टॉप लॉस उसके डिस्कस करता हूँ, साथ में आपको प्रीवियस डे की परफॉर्मेंस भी दिखाता हूँ, जहाँ पे अगर हमारा टारगेट अचीव हुआ तो टारगेट पर हम लोग बात करते हैं और आपको वो ग्राफ पे भी दिखाया जाता है, अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो उस स्टॉप लॉस को भी दिखाया जाता है कि हाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, अगर हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट किए हैं तो वहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट की भी बातें आपको बताई जाती हैं, आपसे कोई भी फैक्ट छुपाया नहीं जाता है। और ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोर्सेज लोग बेचने वाले बहुत लोग हैं, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आप वीडियो जरूर देखें। चलिए डिस्कशन के लिए मैं आ जाऊंगा। आज जो हमने स्टॉक यहाँ पे पिक किया है विप्रो लिमिटेड, यहाँ पे हमें गजब दमदार आज 52 वीक हाई देखने को पॉइंट मिला, ऑल टाइम हाई उसे बोल सकते हैं। स्टॉक की ब्रीफिंग देखेंगे, बाय होल्ड और सेल लेवल पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, 3 दमदार न्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं वो देखेंगे, साथ में हम लोग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल को बात करेंगे। तो आप लोगों को अगर कंप्लीट वीडियो नहीं देखोगे कोई ना कोई पॉइंट मिस होगा और आप लॉस टाइप की कुछ गलती कर सकते हो। आ जाएंगे पहले एनएसई की वेबसाइट पे। अगर मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, अगर आज की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आप देख सकते हो 564 एक आपको 52 वीक हाई देखने को मिला, लास्ट साथ में ऑल टाइम हाईज भी अगर बात करें, लो के तो 557, यहाँ पे क्लोजिंग आपको 557.90 का देखने को मिला विद बाइंग ऑर्डर ऑफ 5000 शेयर। यहाँ पे बात करें डिलीवरी परसेंट की तो डिलीवरी परसेंट आपको 43% का डिलीवरी परसेंटेज, बात करें यहाँ पे क्वांटिटी की 38,37,000 यहाँ पे शेयर ट्रेड हुए, 16 लाख से ज्यादा के शेयर की डिलीवरी उठाई है। डिस्कशन को और आगे बढ़ाए तो पहले मैं आपको जो न्यूज बन के आ रही है वहां पे लेके चलूंगा, और यहाँ पर आप न्यूज देख सकते हो, यहाँ पे विप्रो विप्रो ने ओरेकल लिमिटेड, ओरेकल एक बहुत बड़ी आपको बता दूं एक आईटी फर्म है, वहां पे इनका कोलेबोरेशन हुआ, हेल्प फर्म माइग्रेट टू क्लाउड, इनकी क्लाउड सिस्टम क्लाउड बेस्ड बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं तो उस वर्क के लिए इन्होंने काम यहाँ पे साथ में वर्क करने का दिया है। और बात करें तो विप्रो इज एन ओरेकल मैनेज्ड सर्विस एक्सपर्टीज पार्टनर एंड हैज इंक्रीज्ड ओरेकल क्लाउड सर्टिफिकेशन कंसल्टेंट बाय 400% 400% लेस देन 3 ईयर, 400% मीन्स फोर टाइम्स यहाँ पे इनकी इंक्रीमेंट हुई है विद इन लेस देन 3 ईयर। तो ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है, यहाँ पे आपको यहाँ पे 4.5 स्टार इस न्यूज को मिल जाता है हमारी तरफ से। अब चलिए अब डिस्कशन को और आगे, स्टार थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, माफ कर दीजिएगा। बात करें दूसरी न्यूज की, दूसरी न्यूज यहाँ पे जो निकल के आ रही है, देख सकते हैं विप्रो नेम्ड अ वर्ल्ड वाइड सैप सप्लाई चेन इको सिस्टम लीडर बाय IDC मार्केट स्टेप। विप्रो का जो नाम आया है यहाँ पे, सैप सॉफ्टवेयर का आपने नाम सुना होगा, जैसे सैप फीको, सैप MM, सैप SD, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पे इस सिस्टम पे इनका जो कारोबार है वो तगड़े से बढ़ रहा है और यहाँ पर इनका मार्केट स्पेस बढ़ रहा है, मार्केट स्पेस लीडर बनते जा रहे हैं ये, तो यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव न्यूज आ रही है इस वाली बात में भी। और आईटी सेक्टर के लिए ये न्यूज भी आप देख सकते हो, 15 तारीख की आज की न्यूज है, 2 बजे के 2:30 बजे के आसपास आ रहा है मार्केट के लास्टिंग कुछ आवर्स में। अब डिस्कशन को और आगे बढ़ाएं और आपको बताना चाहें, लेकर आ जाऊंगा थर्ड न्यूज पे जो कि बहुत ही अच्छी है, विप्रो एक्सपेंड पार्टनरशिप विद लेवी स्टेरस एंड कंपनी टू सपोर्ट डिजिटल कॉमर्स, ई कॉमर्स जो सिस्टम है वहां पे इनको और भी आगे बढ़ाने के लिए इनको टेंडर्स मिल रहे हैं और ये पार्टनरशिप जो इनका है वो आगे बढ़ चुका है लेवी स्टेरस, और इस पार्टनरशिप में इन्होंने बहुत सारी काम करे हैं, आपको मैं बता दूं आगे बढ़े इसमें द 4 ईयर एग्रीमेंट, इनका जो 4 ईयर का एग्रीमेंट था उसको और इन्होंने एक्सपेंड किया है, आगे बढ़ाया है। बात करें विप्रो, यहाँ पे आप देख सकते हो विप्रो लिमिटेड यहाँ पे जो न्यूयॉर्क में लिस्टेड है, या फिर बात करें NSE में, वहां पे आपको एक बहुत ही अच्छी अच्छी जंप देखने को मिल रही है, ठीक है। अब बात को आगे बढ़ाएं, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल पे लेकर आऊं, जाए देखिए न्यूज जो होती है वो फंडामेंटली स्टॉक को मजबूत करता है, बट टेक्निकल चीजों को हम लोग भुला नहीं सकते, टेक्निकल चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते, जो टेक्निकल को इग्नोर करेगा उसे ये मार्केट जरूर सबक सिखाती है एक ना एक दिन, तो आप लोग इस पॉइंट पे बहुत ही ध्यान दीजिएगा। बात करें यहाँ पर रेसिस्टेंस की, तो देखिए जो ये लेवल का रेसिस्टेंस बन के आ रहा है इस वीक का जो रेसिस्टेंस ये है, आप देख सकते हो 563.43, इसको ये ब्रेक किया, इसके ऊपर गया 564, यानी पॉइंट कुछ पैसे से ये ऊपर गया, सस्टेन अभी नहीं कर पाया है और नीचे आ गया। बात क्या है यहाँ पे RSI इंडेक्स, तो RSI इंडेक्स कल जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा था थोड़ा सा ऊपर, तो थोड़ा सा RSI इंडेक्स करेक्ट हुआ और ये हमें बहुत अच्छा लगा, बिकॉज देखिए अगर कोई RSI इंडेक्स ऐसे लगातार बढ़ता जाएगा और वो ओवरबॉट जोन में चला जाएगा तो उसे गिरना ही पड़ेगा, गिरने से अच्छा होगा थोड़ा सा कंसोलिडेशन बना के बस RSI इंडेक्स गिरे और
जो स्टॉक की प्राइस है वो ना गिरे। तो यहाँ पे स्टॉक की प्राइस नहीं गिरी, आरएसआई इंडेक्स करेक्ट हुआ थोड़ा सा। तो अगर आपको अगर ये 563 का लेवल अगर ब्रेकआउट यहाँ पे देता है तो 587 का रेसिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, मिल जाएगा। अगर उसके बाद बात करें यहाँ पे, अगर वो लेवल भी अगर ये 587 के लेवल को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 655 का लेवल आपको देखने को इजीली मिल सकता है। बात करें आगे सपोर्ट की, अगर सपोर्ट पे बात करें तो सबसे नजदीकी सपोर्ट जो हमें देखने को मिल सकता है 520 रुपए का देखने को मिल सकता है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे 496 का देखने को मिल सकता है। तो आपको अच्छी तैयारी बनाने रखनी है, और इस लेवल के ऊपर अगर पॉजिटिव ट्रेड आपको कभी भी लेना है तो आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, पॉजिटिव ट्रेड आप 563 के ऊपर ही लेना, 563 से ऊपर। यानी कहने का मतलब अगर एग्जैक्ट पॉइंट डेटा पॉइंट में बात की जाए तो 567 के ऊपर आप पॉजिटिव ट्रेड लेना, अगर इन्वेस्टमेंट ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी हो तो। इसके नीचे आपको नेगेटिव ट्रेड मिलेगा, इसके ऊपर आपको पॉजिटिव ट्रेड मिलेगा। या फिर अगर सपोर्ट की बात की जाए तो 550 के लेवल के ऊपर आपको, मतलब एग्जैक्टली डेटा पॉइंट पे यहाँ पे बात करो तो 540 के आसपास आपको ब्रेकआउट लाइक सपोर्ट ट्रेड लेना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में।